क्या चीज कैसे हमने उसको ऑर्गेनाइज किया। सबसे पहले हमने इसमें फर्स्ट राउंड रखा था रिटन एग्जाम का। उस रिटन एग्जाम में 21 तक उसका रजिस्ट्रेशन करवाना था बच्चों को उस रिटन एग्जाम के लिए, और 27 को हमारा क्या हुआ है, रिटन एग्जाम हुआ इसी सेंटर के ऊपर। और उसके अंदर जो सिलेबस वगैरह था वो था 6 to 10th, जो सिलेबस होता है 6 to 10th क्लास तक, जिसमें हर क्लास के क्या थे 10 क्वेश्चन हमने लिए, क्योंकि जैसे 6th क्लास वाला भी अगर पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको भी वो 10 क्वेश्चन तो आते ही। बाकी अगर उसने आगे आना था तो बाकी क्लासेस की भी उसने क्या करनी थी, तैयारी करनी थी। तो 6 to 10th क्लास तक का ये सिलेबस था, और उसमें जो 21 डेट तक हमारे जो रजिस्ट्रेशन हुए वो टोटल थे 121 स्टूडेंट्स जिन्होंने फॉर्म फिल किया। जो फॉर्म फिल हुए हमारे पास ऑनलाइन, उसका क्या था, फॉर्म था गूगल पे, और 121 स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया, अलग अलग स्कूल के सारे बच्चे थे। और जो एग्जाम देने आए वो 96 स्टूडेंट्स थे। 121 में से 96 स्टूडेंट ने क्या दिया है, रिटन एग्जाम 27। और उसमें से हमने क्या करना था, सेकेंड राउंड के लिए टॉप 9 निकालने थे, हाईएस्ट मार्क्स वाले जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स हैं वो टॉप 9 हमने उसमें से निकाले। और उसकी हमने जो लिस्ट है उसको कर दिया था अपलोड सोशल मीडिया के ऊपर, और इनको कॉल भी कर दिया था जो 9 स्टूडेंट थे, ठीक है। उसके बाद उस 9 स्टूडेंट में से हमारे पास 28 डेट को ऑरल जो क्विज देने आए वो बच्चे थे उसमें से 5, सिर्फ ऊपर वाले जो 5 है वही आए। अब वो नीचे वाले शायद इसलिए नहीं आए क्योंकि उनको लगता होगा कि नेक्स्ट राउंड में हम टॉप 3 में नहीं आएंगे, बाकी और भी कोई रीजन हो सकता है, जैसे दिवाली वाला सीजन चल रहा है, कोई और कहीं गए होंगे, ओकेजन वगैरह है दिवाली, उनको कॉल किया था हमने लेकिन वो प्रेजेंट यहाँ पे नहीं। एक बच्चा डीएवी स्कूल से था, कमल सर का स्टूडेंट था, उसका भी कोई काम वगैरह हो गया था, वो नहीं आ पाया। तो 5 स्टूडेंट बचे, उनका हमने क्या करवाया, फिर ऑरल क्विज करवाया। उस ऑरल क्विज के अंदर हमारे 3 राउंड थे। फर्स्ट राउंड में हमारा पिक्चर वाला था, फिर हमारा था उसमें 5 क्वेश्चंस सेकेंड राउंड में, और थर्ड राउंड में हमारा क्या था, 10 क्वेश्चंस थे और उसमें नेगेटिव मार्किंग। उसमें से हमारे जो 3 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए वो हमारे थे, एक तो विंदु राठी फ्रॉम बीएम स्कूल संगरिया, एक वहां पे जो स्टूडेंट आया वो था दिशांत फ्रॉम लिटिल हार्ट स्कूल संगरिया, और जो थर्ड स्टूडेंट थे वो थे परी फ्रॉम उत्तम पब्लिक स्कूल हनुमानगढ़। तो ये 3 स्टूडेंट हमारे सेकेंड राउंड में सिलेक्ट हुए, और आज उनका क्या था, हमारा फाइनल राउंड था उन तीनों बच्चों का, और यहाँ पे अभी हमने उसको करवा दिया है, जिसमें हाईएस्ट मार्क्स जो आए हैं वो आए हैं विंदु राठी, डॉटर ऑफ विनोद राठी, और वो बीएम स्कूल संगरिया सिंह। अब आगे मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूं कि इस क्विज का मोटिव क्या है, हमने इसको क्यों करवाया, क्योंकि यहाँ पे मुझे भी काफी साल हो गए, एक्सपीरियंस है मुझे भी पढ़ाने का। तो बच्चों को क्या होता है, स्टडी के अंदर बोरिंग जो है, बोरियत फील होने लगती है, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, हम ओल्ड फैशन से ही सारा कुछ करवाते हैं। हमने 5 क्वेश्चन उनको लिखवा दिए, उनके आंसर हमने लिखवा दिए, उनका टेस्ट ले लिया, ऑरल ले लिया, फिर उसके बाद रिटन टेस्ट ले लिया, फिर वो पूरा चैप्टर दे दिया, तो उसी को वो बोर फील करने लगता है। तो हमने क्या किया उसमें कि ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए, सोशल मीडिया के ऊपर भी वो चीज आनी चाहिए, इनको ऐसा लगे कि हमने इस चीज के अंदर आना, पार्टिसिपेट करना इस चीज के अंदर। तो हम उसमें क्या करवाया, हमने साइंस क्विज करवाया। अब साइंस क्विज के साथ साथ आप एक सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट कैसे ला सकते हैं, साइंस क्विज हो गया और आप उसमें क्या है, अभी जैसे अभी चल भी रहा है, हम क्या करवा देते हैं, अंताक्षरी वगैरह ही करा देते हैं। अब अंताक्षरी कैसे हो जाएगी सब्जेक्ट के ऊपर, हम क्या बोलते हैं कि आपने उस सब्जेक्ट में से वर्ड को बोलना है, जैसे एस लेटर दे दिया आपको,
स्टार्ट करेगा तो एस जो है साइंस में एस से क्या वर्ड बनता है, कोई भी प्रोसेस कुछ भी हो सकता है। तो जैसे बच्चे बोलते हैं, जैसे सिक्स में मैंने करवाया तो सेडिमेंटेशन, एस से सेडिमेंटेशन, फिर एन से क्या पहुंचे अपने सोचेगा अगला बच्चा, एन से जैसे नेक्टर उसने बोल दिया। अब इससे क्या होगा, जब वो यहाँ पे वर्ल्ड को बोल रहा है तो आपको पता है हमारे माइंड के अंदर क्या आती है, उसकी इमेज बनती है, बनती है ना इमेज। जैसे हमने काऊ बोला तो हमारे माइंड में क्या आया, उस काऊ की फोटो आ चुकी। इसलिए मैंने ये चीज करवाई थी स्टार्ट कि जैसे वो बच्चा वर्ल्ड बोलेगा साइंस से रिलेटेड तो उसके माइंड में वो प्रोसेस आएगी, उसकी एक फोटो आएगी जिससे बच्चा उसमें फिर इंटरेस्ट लेता है, सोचता है और वहां पे वो खेलते हैं गेम वगैरह ले लेते हैं। लेकिन हो क्या रहा है, इससे स्टडी हो रही, कुछ हटके तो नहीं है, वो स्टडी के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। साथ में हम इनको और कैसे इंटरेस्ट ला सकते हैं, जैसे बच्चे खेलते होते हैं वो बॉलीवुड वाला गेम, बीच में ब्लैंक छोड़ दिया, एक लेटर लिख दिया, ब्लैंक छोड़ दिया। अब उसमें क्या हो सकता है, उससे क्या होगा, जैसे साइंस का उसने, मैंने एक साइंस का वर्ड दिया उसमें कुछ लेटर लिखी, अब उसके अकॉर्डिंग वो उसमें क्या बोलेगा कि ये वाला स्पेलिंग है, तो इससे उसको स्पेलिंग याद हो, जिसकी वजह से रिटन एग्जाम में उसकी जो स्पेलिंग वाली चीज है वो क्या नहीं होगी, गलत नहीं होगी। इससे भी क्या हो गया, वो सब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है। तो ऐसी चीजें मेरा मोटिव है करवाने का कि ओल्ड फैशन को हटा के, जैसे कंपटीशन में भी क्या आता है, कोई रिटन एग्जाम ऐसे आता है कि आपको एक पेज का लिखना है आंसर, उसका कोई तुक भी नहीं है मुझे लगता है। तो हमें क्या है, इसको ऑब्जेक्टिव टाइम में लेके आना है, और इसलिए मैंने इसका ये साइंस क्विज का सोचा कि हम ये ओपन लेवल पे करवाएं, एक स्कूल की बजाय हम क्या करवाएं ओपन लेवल पे कि सारे स्कूलों के जो बच्चे हैं उसमें क्या ले सके, पार्ट ले सके। ठीक है, तो ये मेरा मोटिव था करवाने का। पहले मैंने आपको बताया कि करवाया कैसे, दूसरा हमारा क्या था कि मोटिव क्या है इसको करवाने का। और मैं ऐसे नहीं बोलता कि सिर्फ साइंस के ऊपर ये चीजें होनी चाहिए, मैं ये बोल रहा हूं कि सभी सब्जेक्ट में अगर हम ये कर लें तो बच्चा बहुत आगे बढ़ के आएगा, बच्चे को परमानेंटली वो चीजें याद रहने लगेंगी, वो कंपटीशन में अच्छे से स्कोर कर सकता है, स्कोर अच्छा लेके आ सकता है। वही हम पूरा का पूरा मेथड उसको रटवाते हैं, उसका कोई तुक नहीं है।